हेलो फ्रेंड्स, प्रभा की फुलवारी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे पौधे की बात करेंगे जो जुलाई अगस्त के महीने में मॉनसून के सीज़न में बहुत अच्छे चलते हैं और बहुत लंबे समय तक चलते हैं। उनमें से पहला पौधा है ये गॉम्फ्रेना। इस तरह से इसकी पत्तियां होती हैं और ऐसे पर्पल कलर में इसके फूल आते हैं। तीन चार रंग में इसके फूल आते हैं, पर ये पर्पल वाली वैरायटी है। दोस्तों, ये एक बहुत लंबा चलने वाला फूल देने वाला पौधा है। एक बार आप लगाइए तो मार्च अप्रैल से लेकर और सितंबर के महीने तक इसमें इसी तरह से फूल आते रहते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है इस पौधे की कि एक बार जो फूल आते हैं वो महीनों तक इसके पौधे पर बने रहते हैं। उससे भी खास बात यह है कि इसके फूल को आप यहाँ से ऐसे यहाँ से कट करके और रख दें तो ये कटा हुआ फूल भी बहुत लंबे समय तक आपके पास इसी तरह बना रहेगा, ये सूखेगा नहीं। तो ये इस पौधे की बहुत खासियत है। ये पौधा 7 से 8 इंच के गमले में बहुत अच्छी तरह चल जाता है। दोस्तों, मॉनसून का दूसरा सबसे खूबसूरत पौधा है, इसे एनुअल क्राइसेंथमम कहते हैं। बहुत सुंदर सुंदर रंगों में पाया जाता है और इस तरह से इसके फूल आते हैं, डबल कलर में, सिंगल कलर में, और इसकी पत्तियां ऐसे होती हैं। बहुत लंबे समय तक ये फूल भी बना रहता है। जून से ये खिलना शुरू करता है और ये भी सितंबर अक्टूबर तक इसके फूल ऐसे चलते हैं। देखने में कुछ कुछ इसके फूल गुलदाउदी की तरह लगते हैं, इसलिए इसका नाम एनुअल क्राइसेंथमम है। तीसरा पौधा है वैजंती या कैला लिली भी इसे कहते हैं। इसमें भी बहुत खूबसूरत रंग आते हैं, ये पीले रंग में है और इस तरह से इसकी पत्तियां भी बहुत खूबसूरत होती हैं। ये लगातार साल भर फूल देते रहता है। बहुत ज़्यादा गर्मी में मई जून के महीनों में थोड़े दिन के लिए इसका फूल देना बंद हुआ था या इसके फूल निकलते थे तो तुरंत सूख जाते थे, पर अभी बरसात आने पर इस तरह से भर भर के इसके फूल आ रहे हैं। ये इग्जोरा का प्लांट है दोस्तों, और ये पौधा भी एक बार जब फूल देना शुरू करता है तो पूरे साल भर लगभग इस तरह से इस पर कलियां फूल आते रहते हैं और बहुत बड़े बड़े गुच्छों में इसके फूल आते हैं और बहुत लंबे समय तक चलते हैं। ये सदाबहार का पौधा, नाम से ही ये सदाबहार है। ये पौधा साल भर गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, इसी तरह भर भर के इस पर फूल आते रहते हैं और बहुत हार्डी, सुपर हार्डी पौधा है। तो दोस्तों, इन सब पौधे को आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं और लंबे समय तक फूल ले सकते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। दोस्तों, बाय फ्रेंड्स।